नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से, और यहाँ देख सकते हैं कि शेख आसिफ जी ने कमेंट किया है कि फ़ोटो या क्लिप आर्ट के ऊपर शेपिंग का ट्रिम कैसे करेंगे, प्लीज़ बता दो, कोरल ड्रॉ 11 में मुझसे नहीं बन रहा है। मान लो एक ट्री का क्लिप आर्ट लिया हो, उसमें एक रेक्टेंगल लगाकर कैसे ट्रिम करेंगे और शेपिंग से क्या मुराद है। तो सबसे पहले शेख आसिफ जनाब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं फ़ोटो हो या क्लिप आर्ट हो उसको आपको ट्रिम करना है तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और स्पेशली आप एक ट्री है मतलब पेड़ है उसको क्लिप आर्ट है उसको आपको रेक्टेंगल रख कर उसको ट्रिम करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़िलहाल मैं कोरल ड्रॉ 11 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बताने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो कोरल ड्रॉ का कोई सा भी वर्सन हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। अगर एक में आपने कर लिया तो कोरल ड्रॉ 11 हो, 12 हो, लेटेस्ट वाला हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारा क्लिप आर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए एक दो नारियल का पेड़ आपको दिख रहा है, दूसरा कोई क्लिप आर्ट नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास एक क्लिप आर्ट है ब्लैक एंड वाइट में, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्लिप आर्ट है, अब इसको मुझे ट्रिम करना है, तो पहले मैं इस क्लिप आर्ट को ट्रिम करके बताऊँगा, फिर आपको मैं फ़ोटो के ऊपर बताऊँगा फ़ोटो को कैसे ट्रिम करते हैं, कैसे काटते हैं, क्योंकि फ़ोटो का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो चलिए पहले मैं आपको क्लिप आर्ट को ट्रिम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्लिप आर्ट आपको दिख रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक जिस क्लिप आर्ट को आपको ट्रिम करना है उसको आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ टूल बॉक्स में जाइए और ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद एक रेक्टेंगल शेप इस तरह आप क्लिप आर्ट के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, आप नहीं भी फिल कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ से जो पेड़ है नीचे का हिस्सा, ये दो भागों में कट जाएगा। तो इस बॉक्स को मैंने सिलेक्ट रखा है, याद रखिए बॉक्स को मैंने सिर्फ रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट किया है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, इस पिक टूल पर क्लिक किया, अभी भी देखिए रेक्टेंगल शेप सिलेक्टेड है। उसके बाद हम लोग ये जो मेनू बार है यहाँ पर अरेंज मेनू में जाएंगे, नीचे आइएगा, यहाँ पर आने के बाद ये शेपिंग में चले जाते हैं, शेपिंग के सब मेनू में जाएंगे और शेपिंग में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का शेपिंग का एक डॉकर खुल जाएगा राइट हैंड साइड में, जिस जगह आपका कलर का पैलेट है वहाँ पे आपको इस तरह का एक शेपिंग का डॉकर खुल जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, वहाँ से आपको ट्रिम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, वेल्ड है जोड़ने के लिए, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको अगर काटना है किसी भी शेप को तो ट्रिम का हम लोग यूज़ करते हैं, लोगो वगैरह बनाने में बहुत काम आता है काटने के लिए, वेल्ड करने के करते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे ट्रिम से हम लोग काटेंगे तो ट्रिम को सिलेक्ट करेंगे, करने के साथ आप ट्रिम का यहाँ पे देखिए लीव ओरिजिनल के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सोर्स ऑब्जेक्ट और दूसरा टारगेट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये जो बॉक्स है सोर्स ऑब्जेक्ट वाला, उसको आपको सिलेक्ट रखना होगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट रखा है, जैसे कि मैंने बॉक्स को यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट को ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिम का बटन दिया है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, देखिएगा चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो सिलेक्टेड नहीं है, जैसे क्लिप आर्ट सिलेक्टेड नहीं है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक किया फिर बाहर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये दो भागों में, देखिए ये क्लिप आर्ट मेरा दो भागों में देख सकते हैं कट चुका है, देखिए दो भागों में अलग हो चुका है। बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या है ये, लेकिन अभी भी देखिए दोनों साथ में जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्लिप आर्ट भी है, ये दोनों अलग कट तो गया है, लेकिन क्या है दोनों अभी भी देखिए मूव कर रहा है, दोनों साथ में मूव हो रहा है। तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसको क्लिक करके सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद अरेंज में जाइए, जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है देखिए ब्रेक कर्व अपार्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक कीजिए। अब क्या होगा, ये जो हिस्सा है देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया, लेकिन क्या है ये छोटा छोटा पार्ट है, एक साथ इसको ग्रुप करना होगा। तो नीचे वाला को सिलेक्ट किया मैंने ऐसे, ये देखिए सिलेक्ट किया, इसको अरेंज में जाके यहाँ से मैं ग्रुप कर दूंगा, ये ऑलरेडी ग्रुप
यहाँ पे देखिए इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखिए अलग हो गया। अगर ये ग्रुप नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे देखिए दोनों ग्रुप किया ही हुआ है सब, देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर आपको लगता नहीं दोनों को एक साथ रखना है, तो दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके इसको आपको ग्रुप करना होगा। दोनों सिलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाइए, यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन दिया, ग्रुप कर दिया, ऊपर का हिस्सा देखिए दोनों ग्रुप हो चुका है, नीचे का ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आप क्लिप आर्ट को काट सकते हैं, इस तरह किसी भी क्लिप आर्ट को आप काट सकते हैं ट्रिम के माध्यम से। अब रहा सवाल फोटो को कैसे काटेंगे, उसका देखिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अब चलिए मैं आपको फोटो को दिखाता हूँ कैसे उसे ट्रिम करते हैं, कैसे काटेंगे। तो फोटो को काटने के लिए पहले एक फोटो लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के साथ इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस फोटो को भी काटना है तो उसे लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ हैं, जैसे ये फोटो है, ये बहुत ही कॉमन फोटो है, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस फोटो को हम लोग लेकर आते हैं, जैसे ये फोटो है, ये देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो फोटो है इसको मुझे काटना है, तो क्या करेंगे, तो इस फोटो को नॉर्मली अगर ऐसे रख के काटिएगा कोई भी शेप से तो ये कटेगा नहीं, याद रखिए कटेगा नहीं। जैसे अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये कटेगा ही नहीं, इसका एक तरीका है उसको कैसे काटेंगे। तो अगर पहले मैं काट के आपको दिखाता हूँ, कटेगा नहीं, देखिए जो अभी प्रोसेस आपने क्लिप आर्ट के साथ देखा तो उस हिसाब से ये कटेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए आप रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया। अब इस फोटो को मुझे दो हिस्से में काटना है, तो थोड़ा सा इसको मैं फिल कर देता हूँ शेप को, देखिए अब मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा तो कटेगा नहीं, देखिए उसके बाद मैं तरीका आपको बताऊँगा। तो रेक्टेंगल को यहाँ पर रख दिया फोटो के ऊपर, अब यहाँ पर अरेंज में जाते हैं हम लोग, जाने के बाद नीचे आएंगे शेपिंग में जाएंगे, यहाँ से शेपिंग्स में क्लिक किया, यहाँ पे शेपिंग का डॉकर खुल गया, यहाँ से ट्रिम चूज किया, सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ट्रिम पे क्लिक किया, उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं उस ऑप्शन को दोहरा रहा हूँ, एक ऑप्शन बोल रहा है, देखिए द ऑब्जेक्ट यू सिलेक्टेड इज इनवैलिड, डू यू विश टू ट्राई अगेन। जितना बार भी अगर यस करते हैं, फिर से कोशिश कीजिएगा, तो भी सेम वो आपको दिखाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये नहीं हो सकता, इनवैलिड बता रहा, तो क्या करेंगे इस सूरत में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी सॉल्यूशन, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फोटो नहीं कटता है तो क्या करेंगे। तो जैसे कि ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो है, अब इसको क्या करना होगा, इसको काटना है, तो प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हैं। अब रेक्टेंगल इस तरह का एक सेम शेप का एक बॉक्स बना दिया, देखिए मैंने एक सेम शेप का, सेम साइज का, इसी साइज का एक बॉक्स मैंने बना दिया है रेक्टेंगल शेप। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं, बॉक्स सिलेक्टेड है, यहाँ पे फोटो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फोटो को याद रखिएगा जो शेप आपने बनाया है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेन्यू बार में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए पावर क्लिप है, पावर क्लिप के सब मेनू में जाइएगा, प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक कीजिए, एक एरो देखिएगा, माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेप के लाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, इससे आपका जो फोटो है वो जो शेप हम लोगों ने बनाया था रेक्टेंगल जैसा, उसके अंदर फिल हो जाएगा, देखिए फिल हो गया, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे ये हिस्सा अभी भी देखिए शेप के साथ फिल नहीं हुआ है। तो इसको कैसे इक्वली इसको फिल करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इफेक्ट में हम लोग जाते हैं, फिर से जाने के बाद यहाँ पे नीचे पावर क्लिप में आएंगे, उसके बाद यहाँ देखिए एडिट कंटेंट्स है, इस पर क्लिक कर देते हैं, करने के साथ देखेंगे इसको थोड़ा एडिटिंग कर देते हैं, ये जो हिस्सा खाली है इसे खाली, इसको ठीक करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, हल्का सा आप इस फोटो को थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, फ़ोटो को यहाँ पे इधर बढ़ा देते हैं, इसको एडिटिंग थोड़ा सा फ़ोटो को कर दिया, देखिए बाकी जितना हिस्सा है ठीक है, इस शेप के साथ देखिए बैठ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फाइनली इफेक्ट्स में जाएंगे, करने के बाद पावर क्लिप में जाएंगे, उसके बाद इसको फिनिश एडिटिंग लेवल करना होगा, ये देखिए फिनिश एडिटिंग लेवल कर दिया, फोटो हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये देखिए बड़ा भी कर देता हूँ ड्रैग करके, ये देखिए। अब रहा सवाल इस फोटो को हम लोग काटेंगे, फोटो को काटने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के साथ इस तरह में एक रेक्टेंगल बॉक्स शेप ड्रॉ कर दिया, ये देखिए इसके ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया, करने के बाद इसको थोड़ा सा कलर से हम लोग फिल कर देते हैं, ये देखिए मैंने फिल कर दिया। करने के बाद ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए, सिर्फ इसको सिलेक्ट रखिएगा, रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट रखना है, देखिए थोड़ा सा बाहर कर दीजिएगा, फोटो से आपका जो रेक्टेंगल शेप होना चाहिए थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों जॉइंट सेम दिखाएगा, इसलिए थोड़ा सा जब भी आप ट्रिम करें फोटो को काटें चाहे किसी भी शेप को काटने से पहले आप याद रखिएगा थोड़ा सा जो शेप से काटिएगा उसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा फोटो से। अब रेक्टेंगल बॉक्स सिलेक्टेड है, फिर आपको अरेंज में जाना है, फिर यहाँ पे शेपिंग में जाना है,
फिर शेपिंग के सब मेनू में क्लिक करना है, तो इस तरह क्या होगा, आपका इस तरह का शेपिंग का डॉकर खुल जाएगा इस तरह राइट हैंड साइड में। ट्रिम ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेम वही प्रोसेस है। फिर यहाँ पे लीव ओरिजिनल में सोर्स ऑब्जेक्ट का ये जो बटन है इसको ऑन रखिए, फिर ट्रिम पे क्लिक कीजिए, जो बॉक्स सिलेक्टेड जो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया था उस पर नहीं क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, फिर आप बाहर क्लिक कीजिए एक बार, फिर इस शेप को हटा के देखिए, ये देखिए देख सकते हैं दो भागों में देख सकते हैं ये फोटो मेरा कट चुका है। फिर रेक्टेंगल शेप को आप क्लिक कीजिए, इसे आप क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे फोटो दो भागों में यहाँ पर देखिए कट चुका है, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे इसको अलग, अभी भी देखिए मूव कर रहा हूँ लेकिन दोनों अलग एक नहीं हुआ, दोनों एक ही साथ मूव हो रहा है, यानी दोनों अलग नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, फोटो को ऊपर क्लिक करके रखेंगे, फिर आप अरेंज में जाइए, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेक पावर क्लिप काबा पार दिया, इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, ये देखिए फोटो कट गया, देखिए अलग अलग फोटो, ये दो फोटो अलग अलग हो चुका है देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह फोटो को हम लोग काटते हैं। और ये क्लिप आर्ट को कैसे काटते हैं, ये सिंपल है, लेकिन फोटो को हमेशा पावर क्लिप के माध्यम से आप उसको पहले किसी शेप में पुट कीजिए, उसके बाद फोटो को काटिएगा तो कट जाएगा। तो आई होप आसिफ जी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग फोटो या क्लिप आर्ट को कोरल ड्रॉ 11 हो 12 हो किसी में भी आप काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।